लव देवघर थीम के साथ बाबा नगरी बदल रहा है। दो साल बाद आयोजित होने वाले श्रावणी मेले के लिए बाबा नगरी के सौंदर्यीकरण पर काफी जोर दिया जा रहा है। इस साल श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं तो मिलेगी, साथ ही एक नया देवघर शहर भी देखने को मिलेगा। दो साल के वैश्विक महामारी में जहां बाबा नगरी की जीवन शैली ठहर सी गई थी, वहीं श्रावणी मेले के उत्साह ने बाबा नगरी के जीवन शैली को फिर से रफ्तार दे दी है। इस साल यहां कई बदलाव भी देखने को मिलेंगे। दो साल बाद जब श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए यहां पहुंचेंगे, तो भोलेनाथ के दर्शन के साथ साथ एक नए देवघर शहर को भी देखेंगे। बता दें कि वी लव देवघर थीम के साथ शहर को खूबसूरत बनाने और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए विभिन्न संगठन, बैंक और अन्य प्रतिष्ठान से सहयोग भी मांगा गया है। वहीं नगर आयुक्त ने बताया कि बड़े बड़े होर्डिंग के साथ वी लव देवघर थीम को प्रमोट करने के लिए विभिन्न जगह पर आकर्षक बोर्ड लगाए जा रहे हैं। सभी भक्त जनों को देवघर में स्वागत करने के निमित्त हम लोगों ने निःशुल्क मैंने दूसरे के सहयोग से, एजेंसियों के सहयोग से, संस्थानों के सहयोग से लगभग अभी तक 20 जगहों पर वी लव देवघर या आई लव देवघर का थीम बैनर या वो एक होर्डिंग, छोटा सा होर्डिंग हम लोगों ने लगवाया है। स्थानीय लोग भी मानते हैं कि देवघर में काफी कुछ बदल गया है। दो साल के बाद जो श्रद्धालु देवघर आएंगे, उन्हें एक नए देवघर का दर्शन होगा। स्थानीय यह भी मानते हैं कि देवघर अब पुराने देवघर जैसा नहीं रहा। यहाँ पर एयरपोर्ट, एम्स सहित कई नई चीजें आ गई हैं। कांवरियों को लगे कि दो साल के बाद, तीन साल के बाद अगर हम आए हैं तो पूरा देवघर जो है हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं और हमारे उनकी सेवा के लिए खड़े हैं। उनका और उनका जो एक माइंड में जो सेटअप होगा, जो देवघर जिस प्रकार से देवघर शहर में एम्स हो गया, एयरपोर्ट हो गया, तो शहर का लेवल जो बढ़ता जा रहा है उसका एक प्रतीक है वी लव देवघर। कुल मिलाकर देवघर नगर निगम और स्थानीय लोग देवघर को एक नया रूप देने में जुट गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को एक खूबसूरत देवघर देखने को मिलेगा। और वहीं श्रद्धालु भी कहने लगेंगे वी लव देवघर। न्यूज 11 भारत के लिए देवघर से दीप नारायण की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।